पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोन के सदर शहबाज शरीफ आज लाहौर में इंतखाबी रैली की क्यादत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने कौमी असम्बली के हलका NA 123 में इंतखाबी रैली निकालेंगे। इंतखाबी रैली के दौरान शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहने के लिए 31 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, बताइएगा ये रैली किन रास्तों से गुजरेगी और इसके क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल इमरान, मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं शहबाज शरीफ अपने हल्के लाहौर के NA 123 से जो है वो इंतखाबी मुहिम का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर रहे हैं और आज इंतखाबी रैली जो होगी उसकी क्यादत शहबाज शरीफ करेंगे और जो पहला उनका खिताब होगा वो गजू मत्ता जो LDS स्टाफ है वहाँ पर होगा। सुबाई हल्के के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के मियां इमरान जवेद जो हैं वो उनका इस कैंप से इस्तकबाल करेंगे और इसी तरह से होते हुए 31 पॉइंट है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो मुख्तलिफ कैंप जो लगाए इस्तकबालिया लगाए गए वहाँ पर विजिट भी करेंगे और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। आज NA 123 के जो तमाम मुख्तलिफ रूट्स हैं वहाँ पर जो है उनकी इंतखाबी रैली की क्यादत होगी और इस वक्त भी जो पहला स्टाप है यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। पार्टी जो बैनर्स हैं वो पूरे जो रोड है वहाँ पर अवेसा किए गए हैं और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। 3 बजे जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो पहला खिताब करेंगे अपने आबाई जो हल्का है NA 123। उसके बाद आगे जो मुख्तलिफ पुराना काना नया काना और मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर भी उनके इस्तकबाल पर भी कारकुनान से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।